नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश, आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे एनवायरमेंट के नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन में, हम लोग का वाटर पॉल्यूशन। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने एनवायरमेंट के एयर पॉल्यूशन किया था, आज हम लोग करेंगे वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण क्या है, आप लोगों को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि जल प्रदूषण क्या होता है, हम चीजों को बस ब्रशअप करेंगे फटाफट। जब पानी में फॉरन पार्टिकल्स की वजह से, बाहरी तत्वों की वजह से पानी का स्तर, पानी में कंटेमिनेशन अगर हो जाता है तो उसको वाटर पॉल्यूशन की संज्ञा दी जाती है। इसको अलग अलग तरीके से मापा जाता है, जो कि हम भी डिस्कस करेंगे। और वाटर पॉल्यूशन क्यों होता है, वाटर पॉल्यूशन के कारण क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, कैसे कम किया जा सकता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण क्या होता है भाई, हम लोग समझ गए। जब भी पानी में बाहरी तत्व आकर मिलते हैं जिसके कारण कि पानी की गुणवत्ता कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, पानी की गुणवत्ता में कमी आती है, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अलग अलग मानकों से पता करने के बाद, तो हम कहेंगे कि जल में प्रदूषण है। आज अगर देखा जाए तो दुनिया भर के जो देश हैं इस क्राइसिस से जूझ रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रहा है, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो हमारे ग्राउंड वाटर हो, जमीन के नीचे का पानी हो, नदियां हो, तालाब हो, जो भी वाटर बॉडीज हैं उसमें क्राइसिस आया हुआ है। मतलब इतना बड़ा बुरा हाल हो गया कि भारत सरकार को पूरा एक मंत्रालय बनाना पड़ गया, नमामि गंगे, एक रिवर को क्लीन करने के लिए पूरा एक मिनिस्ट्री बनाई गई है, और फिर भी कुछ नहीं हो पाया। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा इवेंट है ये और कितनी ज्यादा फोकस में है ये। इसके कारण से हमारा जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है पूरी तरह से चरमरा रहा है, जो भी जो कि जलीय पारिस्थितिकी है, चाहे वो मरीन हो, चाहे वो रिवर इकोसिस्टम हो, सभी लोग गड़बड़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जलीय प्रदूषण का प्रमुख कारण होते हैं ये सारे। क्या है, सबसे पहला तो हमारा सामुदायिक प्रदूषित जल। सामुदायिक मतलब क्या, कम्युनिटी की वजह से जो वेस्ट वाटर निकलता है और वो जाके जब वाटर बॉडीज में, मतलब नदी नालों में, समुद्र में, जहां भी गिर मिलता है, उसके कारण होने वाला प्रदूषण। मतलब घरों से, हम ह्यूमंस की एक्टिविटीज है, हमारे जो डेली डेली एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्सक्रेटर से, है ना, अवशेषों से जो गंदगी फैलती है, जो प्रदूषित जल पहुंचता है, वो जाके हमारे जो वाटर बॉडीज को डिस्टर्ब करता है, उन्हें प्रदूषित करता है। घर से निकलने वाला जो गंदा पानी, जैसे सीवेज बोला जाता है, वो हमारे दैनिक क्रियाएं हैं वो। उसके बाद हम जो डेली बेसिस पे एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि खाने, जो बचा हुआ खाना है या खाने की वेस्टेज है, उसके बाद साबुन के जो क्लीनिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं, कपड़ा धोना, चीजों को करना, साफ सफाई करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जाके, सिर्फ कपड़ा धोने तक नहीं, और भी बड़े बड़े केमिकल्स यूज किए जाते हैं, वो सभी लोग, ये सब सामुदायिक कंटेमिनेशन में ही आते हैं, और ये प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत है नदियों के लिए। देख लो, दिल्ली शहर के या किसी बड़े शहर के जितने नाले हैं, उस एक पर्टिकुलर जो नदी होगी शहर में, उसमें जाके मिल जाते हैं, और फिर वही चीजें खराब करती हैं। दूसरा बड़ा रीजन है इंडस्ट्रियल वेस्ट, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। इंडस्ट्रियल वेस्ट उद्योगों से, फैक्ट्रियों से, कारखानों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, जो केमिकल युक्त जो प्रदूषित जल है, वो बहुत बड़ी मात्रा में नदियों को प्रदूषित कर रहा है, समुद्रों को प्रदूषित कर रहा है, वाटर बॉडीज को, जो भी जल जल की जो शरीर है उनको खत्म कर रहा है। और इसमें ज्यादातर केमिकल्स युक्त जो चीजें पहुंच रही हैं बिना ट्रीटमेंट के, गवर्नमेंट के नियम का कोई पालन नहीं होता है। तरीका तो यह है कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो जहरीला पदार्थ है, जहरीला प्रदूषित जल है, सबसे पहले उसको ट्रीटमेंट किया जाए, उसका हाँ उसका ट्रीटमेंट किया जाए। उस ट्रीटमेंट प्लांट को बोला जाता है ETP, क्या बोला जाता है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। इस प्लांट का काम होता है कि इंडस्ट्री से जो खतरनाक केमिकल्स निकले हुए हैं ना जल में, जो युक्त हैं, उसको पहले फिल्टर कर लिया जाए, और उसका फिल्टर वाटर जो है वो ड्रेनेज में छोड़ा जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव सेटअप होता है और ये सब चीजें लगाते नहीं है। इसके कारण से सीधा सीधा जो खतरनाक केमिकल है वो नदियों में जाके मिलता है, जिसके कारण की बहुत बड़ी बीमारियों का स्रोत बनता है वो। नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे क्या बीमारी होती है। एग्रीकल्चर वेस्ट, इतने बड़े पैमाने पर दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए जो एग्रीकल्चर में इनोवेशंस की कोशिश की जा रही है, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, इसमें अंधाधुंध तरीके से फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स वगैरह की का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण से क्या हो गया, वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, समझिए। तो सॉइल पे जाता है तो बारिशें होती है, यूट्रोफिकेशन होता है, नदियों तालाबों में पानी बह के जाता है, जिसके कारण की वो वाटर बॉडीज प्रदूषित हो जाती है। एक प्रोसेस होता है ना यूट्रोफिकेशन, जिसके अंतर्गत खेतों में आपने अगर वो खाद या दवाइयां छिड़की हुई हैं, बारिश हुई, ऊपरी सतह बह गई पानी के साथ, और वो आसपास कहीं तालाब नदी में जाके गिर गया वो पानी, तो वहां जाके आप देखते ना कि एल्गी उग जाती, पूरी काई उग जाती, पूरे तालाब में या पूरे नदी के स्रोत पे पूरी काई वो
हरे हरे पूरे पौधे फैल जाते हैं, जिसके कारण कि नीचे ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है, उसके नीचे के जीव जंतु बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। यूट्रोफिकेशन एग्रीकल्चर वेस्ट होने वाला बहुत बड़ी समस्या है। तो एग्रीकल्चर वेस्ट भी हमारे जल प्रदूषण में कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन जो थर्मल पावर प्लांट, ये तापीय विद्युत प्लांट जो है, जब ज्यादा नदियों के किनारे होते हैं ज्यादातर खासतौर से, और वहां पे इनसे निकलने वाला जो पॉल्यूटेंट्स है वो हम सीधे सीधे नदियों को कंटेमिनेट करता है। हॉट वाटर को, गर्म पानी को सीधे छोड़ा जाता है, जिसके कारण दिक्कतें होती हैं। पहले पानी को कूल डाउन करके छोड़ना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इसके बाद ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का जो पॉल्यूशन है, क्या बड़े सारे सोर्स है, जो कि बहुत जगह हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल या जो एक्टिविटीज होती हैं वो सोखता बना दिया जाता है, जो सारे कंटेमिनेटेड चीज़ों को ना जमीन के अंदर डालने की पूरी नियम चलने शुरू हो जाते हैं। या बड़े बड़े जो ड्रेनेज हैं वो जो बहते रहते हैं, तो उसके आसपास की जितनी जितना जो ग्राउंड वाटर होता है वो सारा कंटेमिनेट हो जाता है। अभी अभी हिमाचल में हम लोगों ने देखा था कितनी बड़ी बीमारी में जॉइंटिस फैला था इन्हीं समस्याओं के कारण। ग्राउंड वाटर उसका बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, या आर्सेनिक ग्राउंड वाटर में बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, अमोनिया बढ़ जा रहा है, जिसके कारण कैंसरस बीमारियाँ खड़ी हो रही हैं। तो ये हमारे आसपास जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो ज़मीन भी रिचार्ज करती है उसको, है ना, बारिशों के साथ पानी अंदर जाता है या वो चीज़ें अंदर तक पहुंचती हैं, जिसके कारण से प्रदूषण का स्तर नीचे तक जाता है जल में, और वो आगे समस्या का कारण बनती हैं। देखिए ये तो कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जहाँ जो कि सोर्स हैं कहीं ना कहीं से वाटर पॉल्यूशन को पकड़ने के लिए। अब पानी में प्रदूषण हो गया तो उसको नापेंगे कैसे? पानी में प्रदूषण को नापने के जो भी मानक हैं पानी को कितना प्रदूषण है उसको मापा जाता है, डीओ, बीओडी और सीओडी। ठीक है, डीओ मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन। पानी में कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है उसके आधार पर पता लगाया जा सकता है कि पानी की गुणवत्ता कैसी है। अगर पानी में 8 mg/L से कम ऑक्सीजन है तो समझ लीजिए कि पानी प्रदूषित है, और 4 mg/L से ऑक्सीजन की मात्रा है पानी में तो लगा लीजिए कि पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन कंटेंट है वाटर में, उसके आधार पे भी आप पता लगा सकते हैं कि पानी की गुणवत्ता कैसी है। क्योंकि जितना शुद्ध पानी रहेगा, पानी में ऑक्सीजन की गुणवत्ता उतनी ज्यादा रहती है, और ऑक्सीजन उतनी ज्यादा रहती है। ऑक्सीजन रहेगी तो जलीय संपदा सारी चीज ठीक रहेंगी, जो बैक्टीरिया है जो कंटिन्यूसली पानी को क्लीन करते हैं वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं, पानी शुद्ध बहता रहता है, शुद्ध रूप में रहता है। लेकिन जैसे ही फॉरेन पार्टिकल्स आते रहते हैं उनको खत्म करने के चक्कर में ना ऑक्सीजन को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने लगती है, ये समस्याएं बनती है। नेक्स्ट है बीओडी, पानी में कितना ऑर्गेनिक कचरा है, पानी में कितना ऑर्गेनिक मतलब कि जैविक प्रदूषण कितना का लेवल क्या है वो चेक किया था बीओडी से। इसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके अंतर्गत हम ये चेक कर लेते हैं कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है। जब प्रदूषित जल में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने लगती है, इसका मतलब प्रदूषित प्रदूषण कण पानी के अंदर ज्यादा है, और उस बढ़ी हुई डिमांड को जब मेजर किया जाता है तो उतना ही जल प्रदूषित होता है। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है वाटर में ऑर्गेनिक मैटर उतना ही ज्यादा होता है, जिसके कारण हम एक पता लगा लेते हैं कि हाँ ये जल प्रदूषित है। तो अगर एग्जैक्टली कभी एक बार आए कि प्रदूषित जल को नापने का मात्र क्या है, तो बीओडी ही एक्चुअली पूरा, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और तीसरा है सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल में ऑक्सीजन की सीओडी मतलब जल में ऑक्सीजन की वो डिमांड जो कि ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, उसको बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये मानक है जिसके आधार पे पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था बीओडी वाला, तो याद रखना कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार से मुख्य रूप से असली मानक है, और सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये सीओडी क्या होता है, सीओडी होता है ऑक्सीजन की वो डिमांड जो ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए पानी में से चाहिए होता है। ठीक है, बीओडी क्या होता है, बीओडी वो मानक होता है जिसके आधार पता लगता है कि पानी में कितना जैविक प्रदूषण कण है। डिजॉल्व ऑक्सीजन वो है कि पानी में कितनी ऑक्सीजन है, समझ गए। ये तीनों अलग अलग स्तर पे पानी के प्रदूषण का स्तर नापने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। डन हो गया। अब है कि पानी के प्रदूषण से क्या होने वाला है। भैया पहले तो हमारा जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है वो खराब होता है। जैसे मैंने बताया कि जब जल में प्रदूषण पहुंचता है तो हमारी जलीय संपदा भी है, नीचे देखेंगे उसके भी
जीव जंतु हैं अंदर, उसके पेड़ पौधे हैं, वो सारी चीजों में डैमेज होता है, उनका इकोसिस्टम गड़बड़ होने लगता है। जैसे कि हम तो बड़ी समस्या देखते हैं ऑयल स्पिलिंग की। ऑयल स्पिलिंग समुद्र में जो वेसल्स का आना जाना होता है, जिसके कारण कि वो ऑयल लीकेज वगैरह होती है, जिसके कारण समुद्र में पूरी ऑयल की परत बन जाती है, जिसके कारण जलीय जो जीव जंतु नीचे वो बिना ऑक्सीजन के मर जाते हैं, पूरी तेल की परत बनी रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि नदी समुद्र के किनारे मरी हुई मछलियां मिल रही हैं, मरे हुए और जीव जंतु मिल रहे हैं, जो कि समुद्री जीव जंतु मिल रहे हैं, ये इसी कारण से होता है। क्यों? एक्वाटिक सिस्टम गड़बड़ हो रहा है हमारा, ऑयल स्पिलिंग जैसे इवेंट होते हैं, और भी कई घटनाएं होती हैं जिसके कारण केमिकल समुद्रों में पहुंचते हैं, नदियों में पहुंचते हैं, और वो संपदा को नष्ट करते हैं, प्रदूषण को बढ़ाते हैं। एक बात, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर डेंजरस इफेक्ट होता है, ह्यूमन हेल्थ पर भयंकर काम है, बीमारियों का भंडार है। देखिए, अगर पानी में आर्सेनिक आर्सेनिक लेड, उसके बाद अमोनिया जैसे पदार्थों की अगर मात्रा बढ़ती है, तो सीधे सीधे वो कार्सोजेनिक चीजें उत्पन्न करते हैं, और आर्सेनिक सबसे आर्सेनिक और लेड का पानी होना सबसे बड़ा कैंसर का कारण हो जाता है। अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है तो कैंसर की समस्या बढ़ सकती है। फिर ज्वाइंटिस जैसे रोग, पीलिया जैसे जो कि लीवर डिजीज है, वो इससे भयंकर तरीके से होती है। इसके बाद मिनी माता, जो कि मछलियों से फैलती है डिजीज, जो समुद्री मछली, जो मरकरी जब मछलियों के अंदर चली जाती है, तो मछलियों को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो मिनी माता नामक डिजीज होती है। मतलब क्या, जब हमारे शरीर में मरकरी आ जाता है, मरकरी पारा, तो उससे बीमारी होती है मिनी माता। ये बीमारी सबसे पहले बंगाल, सॉरी जापान के पास एक जगह है मिनी माता बे, मिनी माता की खाड़ी, वहां ये बीमारी हुई थी, इसीलिए उसी के नाम पे बीमारी का नाम रख दिया गया। ज्यादातर ये होता है समुद्री, जब हम ओशनिक फूड खाते हैं, समुद्री खाना खाते हैं, तो उसमें मरकरी की मात्रा ज्यादा होती है, बिकॉज ये जो ऑयल स्पिलिंग वगैरह होती है, इस कारण से मरकरी ज्यादा मिल जाता है, तो ये मिनी माता जैसी बीमारी हो गई। उसके बाद आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम, जब पानी के अंदर नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो और बच्चा उसे पी रहा है उस पानी को, तो उसकी पूरी बॉडी नीली पड़ जाती है ना। और ये मिथेन ग्लोबिमिना के कारण होता है, कि जब एल्यूमिनियम के साथ, सॉरी जब हीमोग्लोबिन के साथ नाइट्रेट रिएक्शन करता है, तो मिथाइल ग्लोबिमिना, पूरा मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, करके एक कंपाउंड बनाता है, जिस कंपाउंड के कारण बच्चे की पूरी बॉडी पे ब्लू कलर के पिगमेंट आ जाते हैं, और उस पिगमेंट के कारण उस कंडीशन को ब्लू बेबी सिंड्रोम बोला जाता है। ज्वाइंटिस, कैंसर, ये तो मतलब कि बेंचमार्क बीमारियां हैं जो कि पानी से सीधे सीधे होती है। इसके अलावा प्रदूषित जल अगर हम कंज्यूम करते हैं, तो टाइफाइड, उसके अलावा डायरिया, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि कारण बनती हैं, बहुत सारे वेक्टर्स को जन्म देती हैं, जो बीमारियों के वाहक भी होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक हाइजीनिक कंडीशन में रहने के लिए हमको शुद्ध जल मिले। पृथ्वी पे अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 से 3% पानी ही पीने योग्य है, बाकी सारा तो खारा पानी है जो कि पीने योग्य नहीं है। तो ये हमारी चिंता का विषय और भी ज्यादा है। नेक्स्ट है कि क्या किया जाए, किया ये जाए कि हमें कुछ ऐसे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या सीवेज की जो वेस्ट है, उसको ट्रीटमेंट करके सेंटर, मतलब पानी, मतलब नदियों में छोड़ा जाए। इससे पहले इसको छोड़ा नहीं जाए, बिना ट्रीटमेंट के किसी भी जैविक कचरे के साथ चीजों को नहीं डाला जाए। उसके बाद हमें अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की जरूरत है पानी की तरफ से। हम अपने रिचुअल्स पे, जैसे पूजा पाठ हो गया, या मरने के बाद हिंदू धर्म में देखते हैं कि नदियों में ये सब काम किया जाता है, तो उसको थोड़ा सा अवेयर करने की जरूरत है कि नदियां भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज को थोड़ा कर्व करना है, उनको थोड़ा शिक्षित करना है, ट्रीटमेंट प्लांट्स को इंप्लीमेंट करना है, चाहे वो ईटीपी प्लांट जैसे हों, जैसे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि कचरा साफ करने के बाद फैक्ट्रियों का या सीवेज का पानी जाके नालों में मिले, उससे पहले ना मिले। उसके बाद ज्यादातर कोशिश हो सके तो इनका रूट डाइवर्ट कर दिया जाए, और नए नए प्लांट लगा के फर्टिलाइजर्स इनसे उत्पन्न कराया जाए, या अन्य इसको कुछ मोल्ड मोल्ड किया जाए, एग्रीकल्चर वगैरह में फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के यूज को थोड़ा कम किया जाए। ठीक है, और ये की पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं, ये बीओडीसी और ये की पॉइंट्स जहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, और वाटर पॉल्यूशन डन हो गया। नेक्स्ट में हम लोग बाकी जो बचे पॉल्यूशन है उसे निपटाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।